12 का पावर 2021 और 7 का पावर 2021, इन दोनों का सम जो आएगा उसको अगर 19 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए 0, बी 5, सी 7 और डी 18। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1 to the power 7 प्लस 2 to the power 7, ठीक है, और इन दोनों नंबर को जोड़ते हैं तो 1 का पावर 7 1 हो गया और 2 का पावर 7 128 हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको जोड़ दें तो 129 होगा, और 1 और 2 का जो ऐड है, जो 1 और 2 बेस था इस एग्जांपल में, इन दोनों का ऐड हो जाएगा 3। तो 129 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि कोसेंट 43 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5। 2 का पावर 5 होता है 32 और 3 का पावर 5 होता है 243, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 275, और 2 और 3 जो बेस था इस एग्जांपल में दोनों का सम होता है 5, और 5 से अगर डिवाइड करते हैं 275 को तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि कोसेंट हो जाएगा 55। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3। 3 का क्यूब हो जाता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125। अब दोनों का सम हो जाता है 152। अब इस एग्जांपल में जो बेस है 3 और 5, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 8 होता है, और 152 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट होगा 19 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फ्रेंड्स, इस तीनों एग्जांपल में आप देखेंगे कि मैंने पावर को हमेशा ऑड रखा है, ठीक है, और दोनों ही नंबर में, जैसे कि 1 और 2 जो था पहला एग्जांपल में, उसमें दोनों का ही पावर 7 था, दूसरे एग्जांपल में दोनों का ही पावर 5 रखा है मैंने, और तीसरे एग्जांपल में दोनों का ही पावर 3 रखा है। इसका मतलब है कि हमेशा मैंने पावर सेम रखा है दोनों ही नंबर के लिए, और पावर हमेशा मैंने ऑड लिया है। इससे एक हम लोग जनरल रूल पे पहुंच सकते हैं। वो रूल इस तरह है कि एक्स का पावर एन और वाई का पावर एन अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा एक्स प्लस वाई से, ठीक है, कब, जब एन ऑड होगा, ठीक है। मतलब ये कि एक्स का पावर एन और वाई का पावर एन, इन दोनों का जो सम होगा वो डिविजिबल होगा एक्स प्लस वाई से, कब होगा, जब एन जो कि पावर है वो हमेशा ऑड होगा, तो, ठीक है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था 12 का पावर 2021 प्लस 7 का पावर 2021, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पावर सेम है, पावर ऑड है, और 12 प्लस 7 को जोड़ने पर होता है 19, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा 19 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।